हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे इमली की चटनी, जिसे सिंधी में कहा जाता है चप चटनी। ये हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, तो आज इसकी रेसिपी देखेंगे हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। ये वो चैनल है जहाँ पे लाइफ, हेल्थ और किचन से रिलेटेड आपको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी। तो चैनल से बने रहिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं और पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है। 1 कप यहाँ पे इमली ली है, उसे एक बाउल में ले लेंगे और उससे करना है हमें वॉश। तो पानी डाल के इसे वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद ये पानी ड्रेन कर देंगे और इसमें दूसरा पानी डाल के हमें भिगो के रखना है। तो देखिए, पहले ये पानी को ड्रेन कर दिया है मैंने और अभी इसे हम लोग पानी में सोक करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 1 कप इमली ली है तो उसमें 2 कप पानी डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से 10-15 मिनट इसे भिगो के रखेंगे। ये बचपन में हम लोग बहुत खाते थे, स्कूल के बाहर मिलती थी, जिसे कहा जाता था चप्पा चटनी। आइए अभी एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे ये सोख की हुई इमली और इसे हमें अच्छे से कुक करना है। साथ में इसमें डालेंगे शक्कर। तो 1 कप हमने इमली ली है तो उस पर डालेंगे 1/4 कप शुगर और 1/4 कप जैगरी पाउडर या जैगरी वो डालेंगे। आप चाहें तो सीधा आधा कप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। रेड फूड कलर डालेंगे। अगर आपको फूड कलर नहीं डालना है तो इसके बदले आप यहाँ पे बीटरूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीटरूट के टुकड़े डाल दीजिए। इसे हमें 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है। धीरे धीरे देखिए गाढ़ा होता जाएगा। 5-7 मिनट के बाद इसे हमें मैश करना है। चटनी को मैश करेंगे इस तरह से। देखिए इमली अच्छे से पक चुकी है, गुड़ और शक्कर जो है अच्छे से पिघल चुके हैं। जैसे जैसे मैश करेंगे ये थिक होता जाएगा और आंच को हमें धीमा ही रखना है। देखिए ये कंसिस्टेंसी जो है प्रॉपर है, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो इसमें हम लोग डालेंगे 1/2 स्पून नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बचपन में बहुत खाई जाती थी ये चप्पा चटनी, मोस्टली स्कूल के बाहर मिलती थी। देखिए ये तैयार हो चुकी है। एक बार जरूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करें और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।